Another terror encounter that was reported in Jammu and Kashmir today as terrorists continue to target the valley with each attack more brazen than the one before. Two soldiers and one civilian were killed after an encounter broke out on Saturday between our forces and terrorists in Anantnag. Three other soldiers were also injured in the gunfight. A joint anti-terror operation involving the army, Jammu and Kashmir police, and the CRPF is currently underway. Now we understand that the gunfire has been reported, in fact, in the forests of Kokernag area of South Kashmir during a cordon and search operation. दक्षिणी कश्मीर के गडोल इलाके में मिलिटेंसी ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है सूरज की किरण फूटने के साथ ही ऑपरेशन एक मरतबा फिर शुरू किया गया है और इस पूरे जंगलाती इलाके को खंगाला जा रहा है कल यहाँ पर उस वक्त मुठभेड़ शुरू हुई थी जब सेना को एक सूचना मिली थी कि इस जंगलाती इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए थे जिसके बाद ऑपरेशन ऑपरेशन था जिसमें पुलिस सीआरपीएफ और फौज के जवान शामिल थे उन्होंने इस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था जिसके बाद जू ही सेना के जवान संदिग्ध जगह की तरफ गए तो वहां पर छुपे मिलिटेंटों तो ने उन पर अदादन फायरिंग की जिसके नतीजे में सेना के पांच जवान घायल हुए जिनमें से दो जवान बाद में वीर गति हासिल कर गए हैं बहरहाल इस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बावजूद भी सेना की यही कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए और मिल जो छुपे मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए